हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, मैं इस बल्ब में टच कर रहा हूँ तो ये बल्ब जल रहा है ऑटोमेटिक। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, चलिए आज जान लेंगे। और आप इस तरह का बल्ब बना के अपने दोस्त को भी हैरान कर दोगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो फ्रेंड, आपको यहाँ उंगली रखना और इस पर टच करना है। देखिए, जैसे ही टच करोगे तो ये बल्ब जल जाएगा। देखिए कितना अच्छा जल रहा है, और ये इमरजेंसी लाइट भी बन गया, और ये अपने दोस्त को भी हैरान करने वाला बल्ब ये बन गया। तो आपको इस ये बल्ब किस तरह से बनाना है, चलिए आज जान लेंगे और सीख भी लेंगे। तो फ्रेंड, मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले इस बल्ब का कैप को ओपन कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसको बना के दिखाऊंगा अमेजिंग लाइट। तो फ्रेंड, आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिना स्क्रैप के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले इस कैप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके मैं इसको आपको बना के रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चाकू जैसा ले लिया हूँ, आप देख पा रहे। आपको पेचकस से नहीं खोलना, पेचकस से खोलोगे तो ये आपका प्लास्टिक का है, ये टूट जाएगा। तो इसलिए आपको एक चाकू से खोलिएगा, ये बड़ी आसानी से खुल जाएगा। या फिर इसको इस तरह से प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा। ये देखिए कितना इजी से खुल चुका है। तो फ्रेंड मैं इसको खोल लिया हूँ, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसका जितना भी कंपोनेंट है ये सब मैं निकाल के साइड में रख देंगे, और इसका जगह में आज मैं अमेजिंग लाइट बनाने वाला हूँ। इसलिए इसका टोटल सब कंपोनेंट जितना भी है सब इसको निकाल के रख लेंगे। इसका एलईडी बल्ब को निकाल दें। अब ये ड्राइवर सॉकेट जो है इसको भी निकालना है। निकालने के लिए मैं सबसे पहले इसका जो कैप है इसका भी मैं ओपन कर लेंगे। तो मैं इसको भी खोल लिया हूँ, देख पा रहे। उसके बाद ये निकल जाएगा बड़े आसानी से। अब मैं तो फ्रेंड मैं ये जो बल्ब का होल्ड कैप है इस पर मैं दोनों तरफ से दो वायर निकालना है। तो मैं दो वायर निकाल लेता हूँ। और इसको इस तरह से लगा देंगे, मैं इसको इस तरह से लगा देंगे, और ये लग गया है। तो फ्रेंड, मैं इसके बाद उसमें इसमें बैटरी लगा देंगे और इसका कनेक्शन भी कर लेंगे। तो मैं एक वायर बैटरी का कोई एक वायर आपको ले लेना पड़ेगा। इस दोनों वायर में एक में इसी में एक को जोड़ देना है, अब फिर सोल्डरिंग कर देना है। तो दोनों को मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। सोल्डरिंग करने से ये अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं इसमें टेप लगा देंगे। उसके बाद इस बैटरी को इस पे डाल देंगे। मैं बैटरी को डाल दिया हूँ इस पे, और उसके बाद ये दो वायर जो बचा ये दोनों को इस बल्ब में जोड़ देना है, सोल्डरिंग कर देना है। तो फ्रेंड, मैं इस बल्ब को इधर से में रख लेंगे। तो फ्रेंड, मैं इसे फेविकिक देता हूँ। तो मैं इसमें फेविकेट दे दिया हूँ। अब मैं दोनों वायर को इधर से सोल्डरिंग कर देंगे। माइनस को माइनस में कर देंगे और प्लस को प्लस में कर देंगे। इसमें प्लस माइनस दिया रहता है, ये माइनस है ये प्लस है। तो फ्रेंड, मैं दोनों साइड को सोल्डरिंग कर दिया हूँ, अब देख पा रहे होंगे। अब मैं इस पर कैप लगा देंगे। कैप लगा देने के बाद मैं इसको देख लेता हूँ एक बार, चेक करके कि ये वर्क करता कि नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं इसमें कैप लगा देंगे, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इस पर जो काम करने वाला हूँ
वो तो मेरा बन के रेडी है। अब मैं इसमें जो भी काम करने वाला हूँ आप देख के वही चीज आपको इस बल में करना है। तो फ्रेंड अब इस बल में जो भी काम करना है आपको चुपके से करना है। तो इसके लिए आपको एक वायर आपको जो कि नहीं दिखेगा इस तरह से आपको ये वायर ले लेना पड़ेगा। तो मैं इसमें 2-3 वायर ले लेता हूँ। मैं 2-3 वायर ले लिया हूँ। उसके बाद एक तरफ से आपको सोल्डरिंग कर देना है। तो फ्रेंड आपको इस तरह से रख लेना पड़ेगा और आपको जैसे कि इस बल्ब को टच करोगे तो ये बल्ब जलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं इसे टच कर रहा हूँ तो ये वर्क कर रहा है, ये जल रहा है। इस प्रकार से आप भी अपने घर पे बना सकते हो इस तरह का बल्ब और लाइट, जैसे टच करोगे तो ये जलेगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।